दोस्तों आज हूँ मैं बिहार के अरवल जिला में। यहाँ पे बंगुरी का बच्चा यानी कोई भी मछली पालन करना चाहता है तो बीज कहाँ से खरीदे, इसके बारे में इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले कहूँगा कि अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएँ ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये है ओनर साहब और ये है मछली का बीज, ये है बांगूर, जो कि इस मौसम में ठंडी के मौसम में बहुत से लोगों का कहना है कि दूसरी मछली जो होती है वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं करती है और बांगूर ही एक ऐसा मछली है जो ठंडी के मौसम में बढ़िया ग्रोथ कर सकती है। तो इस मौसम में अगर कोई मछली डालना चाहता है अपने तालाब में तो ये बांगूर डालें। तो ये देख सकते हैं, ये मैं समझता हूँ कि 2.5 से 3 इंच, 3.5 इंच का साइज है। तो ये कितने रुपए तक आपके घर तक पहुंचाकर मिल सकता है? मैं हूँ बिहार में, पहले मैं ये कह देना चाहूँगा, बिहार के लोग इस मछली के बच्चा को खरीद सकते हैं अगर वो मछली पालन करना चाहते हैं। तो ये कितने रुपए पीस मिल सकता है, क्या ट्रांसपोर्टिंग चार्ज भी लगता है, पूरी जानकारी ये ओनर साहब देंगे। 350 रुपये सैकड़ है। 350 रुपये पैंतीस सौ रुपये का 1000 मिलेगा और 350 रुपये का 100 पीस मिलेगा। मैं ये जानना चाहूँगा अगर कोई मछली पालन करता है, फर्स्ट टाइम उसका तालाब है, तो उसके बारे में वो जानकारी भी अगर आपसे लेगा तो क्या देंगे सर? जी देंगे। हाँ, जानकारी देंगे। सबसे पहले मैं ये भी जानना चाहूँगा अगर बिहार में कहीं से भी बंदा कोई हजार पीस तो कोई नहीं डालता, बांगूर तो ज़्यादातर साइज में डाला जाता है, क्योंकि अगर ये छोटा भी तालाब है आपका 90x60 का तालाब है तो मैं समझता हूँ 5000 पीस इसमें डाला जा सकता है, जो कि 3 से 4 महीने में लगभग 500 ग्राम 400 ग्राम का एक एवरेज ग्रोथ होता है, जो आप अगर कुंटल में देखा जाए तो लगभग 10 कुंटल तक के आपका माल 5000 बच्चे से निकल जाता है। तो सर हैं हमारे साथ, तो ये 350 रुपये पीस इनका कहना है कि मैं दूंगा घर तक पहुंचाकर। घर पर पहुंचा, पहुंचाने का पैसा भी लोगे आप? नहीं। अगर कहीं से भी अगर कोई भाई खरीदना चाहता है तो आपसे कांटेक्ट करे और कुछ एडवांस देना होगा? एडवांस देना होगा थोड़ा बहुत, तो क्योंकि अगर बाद में आप वहां पहुंच जाते हो और कोई बंदा ऐसा बोल देवे कि मैं नहीं लेना चाहता और आप कहीं 100 किलोमीटर बुलवा ले तो ये भाई भी परेशान, ये मुझे भी दो बात गाली देंगे कि कैसा वीडियो बना दिया और आपको भी देंगे, ये हो सकता है। इसलिए 500, 1000, 2000 इतना एडवांस दे दें कि ताकि इनको परेशानी ना हो। तो ये पूरा बच्चा देख सकते हैं सर, बहुत सा हमने मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये बच्चा डालने के बाद इनको फंगस, जैसे इनका दाना निकलना, छिल जाना, ये प्रॉब्लम आता है, तो ये भी बताया जाएगा ये कैसे हल निकल सकता है इसका? दवाई मिलेगा जी। तो मेरे दोस्त ने भी ये मछली पालन किया है यहीं से बच्चा लेकर, तो मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में मैं वो फार्म वो तालाब पे जाकर वीडियो बनाऊंगा। और उनका लगभग 2 महीने पहले मछली डाला गया है 5000 पीस, कितना साइज हुआ है उसके बारे में भी बताएंगे, उन्होंने कैसे इसको मेंटेन किया, उनका नंबर देकर ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। ये बच्चा ख़रीदना चाहते हैं तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं इस ठंडी के मौसम में। अभी के लिए ये बांगूर का बच्चा बेस्ट है, अभी आप ठंडी के मौसम में यही बांगूर का बच्चा डालें। तो सर आपके पास अगर ठंडी के बाद कोई बच्चा खरीदना चाहे तो कौन सा बच्चा मिल सकता है? सारा बच्चा मिलेगा, रेहू, कातल, नैनी, ग्रास, पंगास। थोड़ा जोर से बोलें। रेहू, कातल, ग्लास का, पंगास, रूपचंदा, हर किस्म का बच्चा मिलेगा, हर प्रकार का बच्चा मिलेगा, हर चीज का। अमेरिकन रेहू, देसी बांगूर सब मिलेगा, सब मिल जाएगा। तो सबका अलग अलग प्राइस होता है, सिंगिन मिलेगा, सिंगिन भी मिल सकता है, तो सबका अलग अलग प्राइस होता है। अभी इस मौसम में सर ने ये सिर्फ बांगूर रखा है, इसकी क्या वजह है सर? मजा है कि ठंडी में मरता नहीं है, ठंडी में ये तालाब में मरेगा नहीं, मरे नहीं। अच्छा, और दूसरी मछलियाँ मर जाती है? हाँ, वो बढ़ोतरी नहीं होता है, बढ़ता नहीं है, ग्रोथ नहीं करेगा, ग्रोथ नहीं होता है, इसलिए अभी के मौसम में बांगूर ही डाला जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।